दिलबाग सिंह के भाई बड़े से बात हुई और जो दिलबाग सिंह के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई उसकी कॉपी भी मैंने सारी पढ़ी। हमने अपने वकील साथियों से भी उस बारे में विचार विमर्श किया। बड़ी हैरानी की बात है कि दिलबाग सिंह के घर से किसी भी चीज़ की कोई बरामदगी नहीं है, जबकि पिछले 4 दिन से 5 दिन से लगातार मीडिया जो है पर्टिकुलर एक दो चैनल जानबूझ करके एक शरारतन इस चीज़ को दिखा रही है कि उसके घर से 5 करोड़ नगद पकड़ा गया, किलो के हिसाब से सोना मिला, अवैध हथियार मिले, जबकि यह सरासर झूठ है। एक बार दिलबाग सिंह का मामला उसको कोर्ट से राहत मिले उसके बाद मैं उससे ज़रूर कहूँगा कि जिस किसी ने तेरे को बदनाम करने की कोशिश करी, तेरी आड़ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, हम उनको लीगल नोटिस देंगे और लीगल नोटिस दे करके मानहानि का दावा उन पर करके उन लोगों को इस बात का एहसास कराएंगे कि किसी को गलत तरीके से बदनाम अगर करने का प्रयास करोगे तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। लोकसभा हम कानूनन उनको सबक जरूर सिखाएंगे। जिन जिन अखबारों ने गलत छापा है उन अखबारों के खिलाफ भी करेंगे और जो पर्टिकुलर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक दो चैनल ने जो विशेष रूप से उस पर अपनी लंबी डिबेट्स कराई उनको जरूर सबक सिखाएंगे अच्छी तरह।